सर नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 10 महीने की 10 भविष्यवाणियां जो कि सत्य होकर रहेगी 101%, क्योंकि ये भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूँ राशि अनुसार, चंद्र राशि अनुसार, वहीं पर आपके ग्रह गोचर की स्थिति को लेकर यह अवश्य रूप से सत्य होगी और गारंटेड सत्य होगी। और इसे सुनने का, क्योंकि मैंने इसमें 10 ऐसे मुख्य विषय कवर किए जिसे सुनने का भैया आप शांति से बैठ जाएंगे। पंडित जी ने बता दिया भैया ये चीजें तो इस टाइम पे होगी, मैं तो शांति से बैठ जाता हूँ, तो बिल्कुल आपके शांति से बैठने का समय आ चुका है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अवश्य रूप से जाइएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय मंगल आपके मार्च अप्रैल मई ये तिथि स्थान पर रहेंगे, जहां पर मंगल मकर राशि का है, उच्च का है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल की युति बहुत अच्छी मानी जा रही है क्योंकि उच्च के हो रहे हैं ये अप्रैल से, तो ये आपको देखने को मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा। इस समय आपको जो भी अगर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो आपकी इनकम बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, आपके कार्य बढ़ेंगे, क्लाइंट बढ़ेंगे, वहीं पर आपका कॉन्फिडेंट लेवल, आपकी मेहनत बढ़ेगी। आप जो भी मेहनत करेंगे, भैया पहले सोच रहे थे बहुत आलस आ रहा था, लेजीनेस आ रहा था, अचानक से मेहनत, भैया मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को काम दो, हर 10-20 काम ले लेंगे और उसे तुरंत करने लगेंगे। पहले क्या रहता था भैया आप काम ले लेते थे हाथ में आराम से कर रहे, नहीं अब तो भैया फटाफट करना है और काम लेना है। इस तरीके से आपको मेहनत पराक्रम, क्योंकि मेहनत और पराक्रम के फल में आपके तिथि स्थान पर विराजमान है मंगल, इसलिए इसमें मेहनत और पराक्रम को आपको बढ़ाएगा, आपका विकास होगा, क्योंकि भाग्य को देख रहा है मंगल, भाग्य को देख रहे हैं शुक्र के साथ बैठ के, तो इस समय आपको भाग्य बहुत ज्यादा तेजी से काम करेगा, जो सोचेंगे वो चीजें आपकी होगी। वहीं पर अगर हम देखते हैं तो देखिए छठे स्थान पे देव गुरु बृहस्पति इस समय विराजमान है, इस समय लव लाइफ को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिलेगी, ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है। भैया आपको अप्रैल के पहले बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, प्रेम संबंध कहीं टूट ना जाए, इस समय निब्बा निब्बी का भी संबंध टूट ना जाए, इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये संबंध आपका, क्योंकि गुरु छठे स्थान में बैठे हैं, छठे स्थान 6, 8, 12 ये तिर्क भाव माने गए हैं, ये स्थान अच्छे नहीं माने जाते, वहां पर देव गुरु बृहस्पति बैठ गए, इसलिए आपको थोड़े से परेशानी हो सकती है लव लाइफ को लेकर, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं पर चतुर्थ स्थान पर शनि देव विराजमान है, आप लोहा मशीन संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं तो सफलतादायक समय रहेगा। अगर आप लोहा मशीन खरीदना चाहते हैं, कोई भी अगर आप इलेक्ट्रिक काम करते हैं, कंप्यूटर वर्क करते हैं, इनका कोई भी अगर आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं, कोई कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं या नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि शनि आपके बहुत अच्छी स्थिति चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया भी चल रही है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, जैसे कि मान लीजिए शनि 8 डिग्री का है या आपका 2 डिग्री का है, तो शनि खराब हो गया, नीच का बैठा हुआ तो खराब हो गया, खराब पाप ग्रह में बैठ गया, पाप स्थान में बैठ गया तो खराब हो गया, पाप ग्रह के साथ बैठ गया तो शनि खराब हो गया, तो इसलिए आपके घुटनों में दर्द देखने को मिलेगा, स्टमक वगैरह बैक पेन होना, आपके काम बनते बनते रुक जाना, डिले होना, लेजीनेस होना, हमेशा कोई ना कोई कार्य में अड़चन आ जाना, तो ये शनि ढैया जब चलती है शनि की, तब ये सारी चीज आपको दिखती है, लेजीनेस, आलस, आपके पैर में दर्द होना, स्टमक वगैरह होना, बैक पेन होना, ये सारी चीजें शनि जब खराब होता है हमारी जन्म कुंडली में तो ये दिखता है, और जब शनि अच्छा होता है तो ये उसका उल्टा करता है, एकदम स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, हर काम को तेजी से करेगा, भैया जहां से पैसा आने नहीं वाला था वहां से पैसा आ गया, रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होता है, आपके बनते बनते काम जो बिगड़ रहे थे वो काम आपके बढ़ने लगते हैं। जॉब में तो भैया सबसे ज्यादा सक्सेस प्राप्त होती है इन लोगों, क्योंकि शनि इनका जॉब का ही गुरु रहता है, तो जॉब में भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत ज्यादा प्रमोशन के योग बनाता है जब अगर आपका शनि अच्छा होता है। तो आपकी कुंडली में अब शनि की स्थिति क्या है वो देखिए, अगर शनि की ढैया चले और आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है तो नया वाहन भी आएगा, नई मशीन भी आएगी, ये सारी स्थिति बनाएगा, शनि आपके चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ माता का सुख प्राप्त कराएगा, माता का प्रेम प्राप्त कराएगा, और माता के साथ कहीं लंबी यात्रा पे भी आप जा सकते हैं, माता के माध्यम से कोई ऐसा स्रोत मिले जिससे धन के आय के स्रोत बन जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे आपके प्रॉपर्टी डील हो जाए, बिजनेस डील हो जाए, ऐसे योग भी बना रहा है, आपका नया वाहन भी बना रहा है, आपके नए मकान के योग बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पर ये सिर्फ आपके जुलाई के पहले दिख रहा है, जुलाई के बाद ये चीजें नहीं दिखेगी, क्योंकि जुलाई के बाद वक्री हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलने लगेंगे, तो वक्री होने के बाद शनि इसका थोड़ा सा उल्टा असर डालेंगे, आपने अगर जमीन ले ली है इसके पहले तो आप देखेंगे उसके बाद आप जुलाई के बाद आप उस पर इन्वेस्ट कुछ भी बना नहीं पा रहे, मकान नहीं पा रहे, बना बनाया मकान ले लिया उस पर कोई काम करना चाह रहे तो जुलाई के बाद वो काम नहीं होगा, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब गुरु की युति सप्तम स्थान में पहुंच जाएगी अप्रैल के बाद, तो अगर आपके मैरिड लाइफ में या बिजनेस पार्टनर के साथ अगर आपके कोई संबंध बिगड़े हुए थे तो वो सुलझे होते हुए दिखेंगे, आपके दैनिक आय आपकी बढ़ेगी, आप आध्यात्मिक होंगे, मैच्योर होंगे, आप बिल्कुल
क्योंकि लग्न को गुरु देख रहा है, तो ज्ञान की बातें करेंगे, आप पे लोग आकर्षित होंगे क्योंकि ज्ञान का देवता गुरु माना गया है। ये आकर्षित करेगा, ज्ञान की बातें निकलवाएगा, ज्ञान हर तरीके से बटोरेगा। आप इस समय ज्ञान की चीजें, यानी आयुर्वेदा ज्ञान हो या चिकित्सा का ज्ञान हो या आप ज्योतिष का ज्ञान हो या तांत्रिक ज्ञान हो, इन चीजों की तरफ भी आप रुचि देखते हुए आपको मिलेंगे। तो ये गुरु की स्थिति बना रहा है। वहीं पर राहु की स्थिति थोड़ी सी आपको भ्रमित करेगी। राहु आपको थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ये आपके पंचम स्थान में बैठा हुआ है, तो अगर आप संतान योग बनाना चाहते हैं, बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो वो नहीं बनेगा, उसमें थोड़ा सा विलंब होगा। जिन लोगों की संतान हो चुकी है तो वो किसी ना किसी कारण उससे परेशान होंगे, उससे थोड़ा सा ओवरथिंकिंग करने लगेंगे, इरिटेट होने लगेंगे, संतान कुछ ऐसा काम कर दे जिसकी वजह से इरिटेट होना, मन उस पर लगना, गुस्सा आना, ये सारी चीजें देखने को, जो बेबी कंसेप्ट करना चाहते तो उनके लिए थोड़ा सा समय अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि राहु केतु की स्थिति अभी ये पूरे साल रहने वाली है। तो और वहीं पर लव लाइफ को लेकर भी मैंने आपको स्थिति बताई कि आपके गुरु जब सप्तम स्थान पे हो जाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन अभी राहु विराजमान है तो ओवरथिंकिंग करना, आपके प्रेम में थोड़ी सी संबंध में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कोई थर्ड पर्सन आ जाना, ये चीजें की योग बनते हैं। लड़ाई झगड़े सॉल्व होंगे फिर बिगड़ जाएंगे, ये स्थिति आपकी, क्योंकि राहु केतु ये पूरे ही साल रहने वाले, तो ये आपके लव लाइफ में दिक्कत देगा, आपकी पढ़ाई में भी थोड़ा सा मन भ्रमित हो जाना, थोड़ा इस चीज को आपको ध्यान रखना। देखिए गुरु आपके अप्रैल तक आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, इस समय आपको लोग मोटिवेट करेंगे, थोड़ी देर के लिए आपको मोटिवेट जाएंगे और गलत डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि आप जल्दबाजी में, मंगल आपके तिथि स्थान में है तो आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, जल्दी निर्णय ले लेंगे, और कभी कभी के वो निर्णय, क्योंकि आपको दो मिनट के लिए कोई मोटिवेट करके चले गया, दो बातें सुना के चले गया, आपने वो फैसला ले लिया, तो उस चीज का अप्रैल के पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं थोड़ा सा आराम से, थोड़ा रुक के ले, जुलाई के बाद ले लेंगे, अप्रैल के बाद ले लेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आराम से ले लीजिएगा, लेकिन अप्रैल के पहले थोड़ा सोच समझ के ही आपको निर्णय लेना है। केतु आपके 11वें स्थान में बैठे हुए, लाभ घर में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से भी आपको इस समय लाभ होगा। अगर आप कोई सरकारी पक्ष में जॉब करते हैं या सरकार से कोई टेंडर वगैरह लेते हैं तो उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल समय रहेगा। पॉलिटिक्स में है, पद भी बढ़ेगा, कद भी बढ़ेगा। राजनीति में है, इस समय बहुत ज्यादा मान सम्मान प्राप्त होगा, बड़ा पद मिलेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, आपको कोई टिकट वगैरह मिल सकती है अगर आप कुछ राजनीति में इस प्रकार से काम करते हैं तो। ये पूरा ही, क्योंकि केतु की स्थिति बहुत अच्छी मानी जा रही है पूरे साल, तो इस साल अगर आप कोई राजनीति का, कोई चाहे छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा इलेक्शन हो, आपके लिए राजनीति पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा। टीचर वगैरह है, अगर आप स्कूल से संबंधित कोई कार्य करते हैं, चाहे ट्यूशन का कार्य करते हैं या स्कूल में कार्य करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इस समय मान सम्मान प्राप्त करेंगे, चाहे आपको दूर जाके सम्मान प्राप्त हो, आपको इस समय हर तरीके से मान सम्मान, हर लोग आपकी तारीफ करेंगे। आप कहीं भी जाएंगे तो भैया आपकी तारीफ हो रही, आप सोचेंगे मैंने ऐसा क्या कर दिया, हर जगह से तारीफ बटोरेंगे, क्योंकि केतु आपके 11वें स्थान में है, तो ये अचानक आपको सडनली आपको हर तरीके से प्रशंसा दिलवाने लग जाएगा, आप कुछ करेंगे नहीं, फिर सडनली आपको तारीफ देने लग जाएगा। तो ये केतु इस चीजों को कराता है, लेकिन आपके पंचम स्थान में बैठ गया, इसलिए थोड़ा सा लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा बिगड़ गया, बाकी स्थिति बहुत अच्छी रह रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया, अब किस प्रकार से आपके लिए, अगर जन्म कुंडली में पहले आप देख लीजिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब है तो वो थोड़े से विपरीत परिणाम देगा, अगर आपके अच्छा है तो आपके लिए अच्छा परिणाम देगा। तो ये रही वृश्चिक राशि वालों के लिए 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां, जो कि मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में अवश्य रूप से होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य रूप से कीजिएगा। हर हर महादेव। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।